के जंगलों में ज्यादातर पाए जाने वाले जानवर है, जिसे अफ्रीकन फॉरेस्ट बफलो भी कहा जाता है। ये हर वक्त अपने झुंड के साथ और ज़ेब्रा के झुंड के साथ ऐसे दो अलग अलग झुंडों में भी रहते हैं और चुपचाप अपना खाना खाने का काम करते हैं। लेकिन शेर का ही पसंदीदा शिकार होते हैं, इसलिए वे हमेशा उन पर हमला करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा उन पर भारी पड़ जाता है, जैसे यहाँ इस बफले को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने शेर को किसी बॉल की तरह हवा में दो बार उछाल दिया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब शेर के ग्रुप ने इन पर हमला किया, तब बफलोज ने उन्हें ऐसा ऐसा दौड़ाया कि शेर डर के मारे पेड़ पर ही चढ़ गए और वहां से बफलोज को भगाने की कोशिश करने लगे। वहीं दूसरी ओर इन्होंने शेर को पानी तक दौड़ा दौड़ा के भगा दिया। दोस्तों, अगर इस वीडियो का पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और यार प्लीज इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना। राइनो। हमारा अगला जानवर है राइनो, यानी कि गेंडा। दुनिया में गेंडे की कुल 5 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, जो कि सफेद गेंडा, काला गेंडा, भारतीय गेंडा, जावन गेंडा और सुमात्रन गेंडा। आक्रामक स्वभाव की बात की जाए तो काला गेंडा इनमें सबसे ज्यादा आक्रामक स्वभाव वाला होता है। इनका वजन 1000 से लेकर 1400 किलोग्राम तक बढ़ सकता है और हाइट देखी जाए तो ये 6 फीट तक बढ़ सकती है। गेंडे का मेन हथियार इनके मुंह पर लगा वो सींग ही होता है, जिससे वो किसी को भी आसानी से मार गिराते हैं। फिर चाहे वो कोई भी शेर क्यों ना हो, ये शांत दिखाई देते हैं, लेकिन इनका मूड कब बदल जाए इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इनके इतने ताकतवर और खतरनाक होने की वजह से ज्यादातर शेर इनसे पंगा नहीं लेते, लेकिन अगर शेर ने ऐसा सोच भी लिया तो भी उसे हार ही माननी पड़ती है, जिसका उदाहरण आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को भी देख लीजिए, जिसमें कैसे गेंडे ने जू कीपर की गाड़ी को आसानी से पलटी कर दिया। ऐसे जू कीपर ने तो गेंडे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन फिर भी वो गुस्सा हो गया। इसलिए ऐसे जानवरों को कब गुस्सा आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए इनसे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। आपको भी ये कहीं दिखे तो तुरंत वहां से 1 किलोमीटर दूर भाग जाना। एलिफेंट। जमीन पर रहने वाला सबसे ताकतवर और बड़ा जानवर अगर कोई है तो वो है हाथी। काफी लोग इन्हें पालते भी हैं। इतने बड़े होने के बावजूद लोग इनके साथ खेलते हैं, मस्ती भी करते हैं। ये अपने शांत स्वभाव की वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसा घट जाता है कि शांत बैठने वाला जानवर भी आक्रामक प्रवृत्ति का बन जाता है। और क्या होता है तब, जब हाथी कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। ये आप ही देख लीजिए, केरला के एक फेस्टिवल के तहत इस हाथी को लाया गया था, लेकिन ये बाद में इतना ज्यादा आक्रामक हो गया कि सामने आई सभी चीजों को तहस नहस करने लगा। इतना ही नहीं, वहां खड़े छोटे कंटेनर को उस हाथी ने तोड़ दिया, मानो जैसे उसके लिए वो कुछ भी नहीं। इस जंगल वाले वीडियो में ये शेर हाथी के बच्चे का शिकार करने की सोच रहे थे, लेकिन उसकी माँ ने ऐसा नहीं होने दिया। इतने सारे शेर उन्हें घेर रहे थे, लेकिन फिर भी उसने सबको भगा दिया। टाइगर। दुनिया में शायद ही कोई होगा जो टाइगर को ना जानता हो, जिससे सभी डरते हैं। टाइगर शिकार करने में बड़े ही माहिर होते हैं। अगर कोई इन्हें चुनौती दे तो सामने वाले की चुनौती स्वीकार